morning, students. How are you all? I am Shelly, your math teacher. Hey students, today our topic is fraction revision. Okay? So कल हमने story sums type की सभी revisions की थी, last exercise भी complete की थी और जो sum mathematics aim में थे उसके बारे में भी discussion किया था. तो आज हम discuss करने जा रहे हैं जो numeric value को हमने सीखा था, right? Addition, subtraction, multiplication, division, fraction के अंदर सब कुछ ये सीखा था उसके बारे में अब हम discuss कर रहे हैं. So yes, look at this. First of all, एक sum मेरे पास है 3/7 + 2/7. नीचे क्या है 7/7. तो आप क्या लिखोगे 7. ऊपर 3 + 2. So 3 + 2 = 5/7. This is your answer. Clear? ये कैसे बना था? इसको मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया था. आप प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हो. ओके? जरूर देखने हैं. अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो बच्चे डायरेक्ट आप मत देखिए, प्रीवियस वीडियो आप जाकर जरूर देखें. ओके? यस. इसके बाद अब आप करें नेक्स्ट. नेक्स्ट के अंदर देखो क्या है. ओके? सो नेक्स्ट अब आप देखिए 13. नीचे बेस क्या दिखा हुआ है, क्या नजर आ रहा है? यस. ऊपर वाले को क्या कहते थे हम? न्यूमरेटर. और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? लिखेंगे 13, 5 या माइनस 2 या 5 - 2 = 3. नीचे डिनोमिनेटर 13. दिस इज योर आंसर. ओके? तो हमारे पास ये भी हो गया. नेक्स्ट क्या बात करी थी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके? सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते थे? 3 × 5 = 15. पहले इसी को सॉल्व करेंगे ऑनली. 3 × 5 = 15 और 15 + 2 यस 17. यानी 17/3 + 1/3. ओके? सो अब ये सेम ऐसे सम बन गया, ये वाला एडिशन वाला, राइट? इसमें क्या हो जाएगा? 3 = 17 + 1 और 17 + 1 = 18/3. अब बच्चे, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं. लेकिन मैंने आपको ये सिखाया था, आप नीचे वाला टेबल राइट करके देखो साइड पर. यस, मैं राइट कर रही हूँ, देखो. ओके? टेबल राइट कर दिया. 3 के टेबल पे 18 आ रहा है. यस. कब? 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18. यस. सो 3 1 = 3, 3 6 = 18. तो यहाँ पर आ गया 6/1 और 6/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 6. दिस इज योर आंसर. क्लियर बच्चों? क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया. ओके? तो ये हमारे पास 3 सम्स थे जो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर मैंने आपको सिखाए थे कि इनको कैसे करना है. क्लियर? यस स्टूडेंट्स. तो ये वाले सम हो गए अब आपके. अब मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों आपको करके दिखाती हूँ. ओके? यस. एक सम ये यहाँ पे लिखा रहने, तो एक मैं आपको अभी लिख के बताती हूँ. लाइक आपके पास एक ये क्वेश्चन आता है 2/3 × 5/7. क्या है? 2/3 × 5/7. यस. तो आपने क्या करना है बच्चों? न्यूमिरेटर की न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई आपस में करनी है. एडिशन में ऐसा नहीं होता. एडिशन में ये एलसीएम लिया जाता है यहाँ पर, बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, लाइक दिस. क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी किसी के टेबल पे नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर प्राइम नंबर. 2, 5, 3, 7 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. ये सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हैं. जस्ट आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से. 2 × 5 = 10, 3 × 7 = 21. दिस इज योर आंसर. क्लियर बच्चों? सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई. अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए. जैसे 2/3 × 9/6. ओके? मैंने आपको क्या दिया? 2/3 × 9/6. आप देखो 2 × 9 ऊपर, 3 × 6 नीचे. ओके? न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दी आपस में, न्यूमिरेटर की न्यूमिरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. अब देखो बच्चे, क्या आता है? 2 1 = 2, 2 3 = 6. 3 के टेबल पे 9 कब आता है?
यस, थ्री थ्री जा नाइन, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई थ्री ऊपर, वन मल्टीप्लाई थ्री नीचे। अभी भी ध्यान से देखो, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो अब क्या हो गया, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाय वन, और ये क्या आता है, वन। क्लियर? क्या चीज करी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो टू मल्टीप्लाई नाइन, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, थ्री वन जा थ्री। ये ध्यान रखना है, न्यूमिनेटर को ही डिनोमिनेटर से कट करना है, बस न्यूमिनेटर ही डिनोमिनेटर में आपस में कट करना है। सो थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, सो वन मल्टीप्लाई थ्री, वन मल्टीप्लाई थ्री, ये कट हो गया आपस में, राइट? तो वन मल्टीप्लाई वन, वन वन जा वन, अब ये वन आ गया, सो वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो कट करके क्या आ गया यहाँ पे, वन। ओके बच्चे, तो इस तरीके से आप बच्चे, हम ये टेबल्स पे कट करते हैं हम, ओके, माइनस प्लस नहीं कर रहे कि कहीं यहाँ पे कोई जीरो है, जीरो कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम टेबल्स पे कट कर रहे हैं, टेबल्स के अंदर हम इसका आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, ओके बच्चों, तो ये वाली चीज हमने फ्रैक्शन में डिस्कस कर ली कि मल्टीप्लीकेशन में कैसे किया जाता है। अब बात, एक चीज आपकी बात यहाँ पे रहती है, एक क्वेश्चन रह गया अलग टाइप का, वो लास्ट में आपको बताऊंगी। ओके, यस, तो ये सिंपल वे मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लीकेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन। यस, मान लो आपने क्या करना है, डिवीजन दो नंबर्स को, यहाँ पे साइन आ जाए डिवीजन का, क्या साइन आ जाए, डिवीजन का। ओके, यहाँ पे सेवन है, डिवीजन का साइन आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी टर्म अंडरस्टैंड करनी होगी, दिस जिसका नेम क्या है, यस, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता था, नंबर्स का यस उल्टा हो जाना, ऊपर वाला नंबर नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में जब चेंज हो जाते हैं, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल, लाइक दिस। जैसे आपके पास है 2/7, तो 2/7 का अगर रेसिप्रोकल निकालो, मैं रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, इसको तो मैं अलग रख रही हूँ, ऑफ 2/7, क्या आ जाएगा इसका, यस, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, तो ये क्या हो जाएगा, 7/2। ये क्यों हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल ये कहती है डेफिनेशन कि अगर किसी नंबर को किस नंबर से हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो वो जो नंबर है मल्टीप्लाई करने वाला, उसको हम बोल देते हैं रेसिप्रोकल। सुनो, 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, ये ऑब्वियस है बच्चे, 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, राइट, 1 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, सो योर आंसर इज 1/1, इट मींस 1, राइट, इसका ये मीनिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, हमने क्या करा, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है, 2/7 को, मैं फिर जनरली आपको बता देती हूँ कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उसको बोल देते हैं हम रेसिप्रोकल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2/1 होगा, क्योंकि कई बार कुछ ना लिखा हो, जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या माना जाएगा, 1/2। क्लियर, ये चीज आपने ध्यान देनी है। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास 2/3/5/7 की। अगर हम इस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, तो 2/3 के अंदर ये कोई भी नंबर हो, ये वाला नंबर, ये अलग है, ये अलग है, ओके, ये नंबर एज इट इज, हर एक नंबर की बात करें, यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, सिंपल नंबर भी हो सकता है, ओके, तो ये वाला नंबर एज इट इज, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यस, तो जब क्या बन गया, 7/5, क्लियर बच्चों, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, 7/5, यस, तो 7/5 इसके अंदर आ गया, अच्छे से क्लियर नजर आ रहा है ना आपको, यस, तो अब आप देखिए, 2/7/3/5, ऑल आर प्राइम नंबर, कोई किसी के टेबल पे नहीं जाता, अब तो ये सिंपल सम बन गया, मास्टर बन गए हो इसमें, राइट, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 × 7, 3 × 5, अब 2 7 14, 3 5 15, दिस इज योर आंसर। ये बच्चों, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
अच्छे से वेरी गुड बन के अच्छा अच्छा वर्क करके ताकि मैम आपको वेरी गुड दें, स्टार दें। तो आपने अच्छे से इसकी रिविजन कर दी है, आने वाले टाइम में कभी भी इसका टेस्ट हो सकता है, तो यही रिविजन वीडियो आपने टेस्ट के लिए देख लिया। ओके, तो टेस्ट में कभी भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से हर एक चीज़ को मल्टीप्लीकेशन देखो, रिविजन चेक करो, नंबर सही देखो, ये आपने अच्छे से करना है। ओके, सो 2/3 मल्टीप्लाई मैंने रेसिप्रोकल करा 7/5, तो 2 7s are 14, 3 5s are 15, 14/15 आंसर। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यस, वो बच्चे जो मैं आपको टर्म बताने जा रही हूँ ना टाइप, वो टाइप ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लगेगी। क्या लगेगी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो अब यहाँ पे तो देखो बच्चे अपना हुआ कंप्लीट, क्लियर। एक स्टोरी सम्स की वीडियो ऑलरेडी पहले जा चुकी है, वो अच्छे से कर रहे हैं। इधर से आपके जो मैं फ्रैक्शंस करवा चुकी हूँ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और यस सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये सारा चीज़ें अपन ने डिस्कस करनी है। अब एक चीज़ और डिस्कस करिए आप। यस, एक क्वेश्चन है आपके पास, 2 of 1/2 प्लस 1 of 2/3। यस, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अलग सॉल्व करो। 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 प्लस 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3। एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पर, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? यस, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 3। दोनों का क्या लेना है? एलसीएम, 2, 3, क्लियर, 2 और 3। तो क्या करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 1s are 2, 3 as it is, 3 1s are 3। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चे? 6। क्या आ जाएगा? 6। बताया था 2 से 6 को डिवाइड करना है, मैंने आपको बताया था। अब 6 यहाँ 6 यहाँ, 1/2 से 1/3 से, 2 3s are 6, कट, 3 2s are 6, कट। अब एक चीज, 5 यहाँ, बीच में साइन प्लस का, 1 5 यहाँ, इस 5 से यहाँ कौन है? 2 2 से क्वेश्चन क्या है आपका? 3, तो मल्टीप्लाई करना है 3। यहाँ पर क्या है? 3 3 का क्वेश्चन क्या है? 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 से। अब 5 3 15, बीच में साइन प्लस, और 5 2 10, यस, नीचे डिनोमिनेटर 6, सो 15 + 10, यस, क्या आएगा? 25/6, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चे, तो ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन, स्टोरी पोर्शन सब आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सारी सम अब आपने ट्राई करने हैं, हर एक टाइप सम की टाइप आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, अच्छे से करना है। अगर किसी बच्चे ने ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो आप बच्चे, तो आप प्रीवियस वीडियो, मैं बारी बारी आपको कह रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो आप जरूर जाके देखो। ओके, तो अच्छे से आपने देखना है, क्लियर बच्चों? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।